बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मनाल और आज मैं मनाज किचन में आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। वो है चिकन वेजिटेबल रोल, जो कि बहुत मजे के बनते हैं। तो चलो फिर रेसिपी को स्टार्ट। तो चिकन वेजिटेबल रोल्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो हैं 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप शरीर चिकन जिसको हम जब बॉईल करे थे थोड़ा सा नमक ऐड किया था, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चॉप जिंजर गार्लिक, 1 अंडा, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और रोल पट्टी। तीन से चार मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें और फिर हमारी रोल की फिलिंग तैयार है। मिक्सर ठंडा हो गया है और एक बाउल में हमने अंडे को फेंट भी लिया है। अब हम इसको रोल पट्टी में फिल करेंगे। रोल्स बन गए हैं। आप इन रोल्स को 1 महीने तक फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। चलें अब हम इन रोल्स को फ्राई करते हैं। ऑयल को गर्म कर लें। हमने रोल्स को तब तक फ्राई करना था कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, मीडियम फ्लेम पे। रोल्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यार हमारे मजे के रोल, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।